नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है द बैट टेक चैनल पर। चर्चा को ताची जो टेक की बात बोले, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। पहले टेक्नोलॉजी शॉमी की तरफ से शॉमी का दो फोन आने वाले हैं, मी टेन प्रो जो 23 फरवरी को चाइना में लॉन्च होंगे। उसमें आपको 865 का प्रोसेसर और उसमें 5G सपोर्टेड रैंक, और साथ ही उसमें आपको 8K वीडियो रिकॉर्डिंग भी देखने को मिल सकता है, और उसमें 50X जूम हाइब्रिड जूम भी देखने को मिल सकता है, और साथ ही उसमें आपको LPDRM रैम भी देखने को मिल सकता है। दूसरी टेक्नोलॉजी आ रही है वीवो IQ की तरफ से, वीवो IQ 3 जो इंडिया में लॉन्च होगा। उसका ऐसा कहा जा रहा है कि फरवरी के एंड तक वो लॉन्च होगा। उसमें आपको 64 मेगापिक्सल कैमरा देखने को मिल सकता है, और उसमें 12 GB रैम देखने को मिल सकता है, और ये फ्लैगशिप फोन रहेगा जिसमें आपको 865 प्रोसेसर देखने को मिल सकता है। तीसरी टेक्नोलॉजी आ रही है गूगल की तरफ से, गूगल प्ले स्टोर से कुछ 382 मिलियन जो मतलब ऐप थे जो बहुत मालवेयर है, उसमें मतलब ऐप थे जिसमें उसमें मालवेयर थे जो अपना डेटा चुरा के चाइना के सर्वर में बेचते थे, ऐसे कुछ ऐप को उसने हटा दिया है गूगल प्ले स्टोर से। और चौथी टेक्नोलॉजी आ रही है वन प्लस की तरफ से, वन प्लस में वन प्लस 8 प्रो और वन प्लस एट जो ऐसा कहा जा रहा है कि मार्च और अप्रैल के बीच में लॉन्च हो जाएंगे, जिसमें आपको ट्रिपल कैमरा देखने को मिल सकता है और पॉपअप कैमरा भी देखने को मिल सकता है। और पांचवी टेक्नोलॉजी आ रही है गूगल की तरफ से, गूगल एक ऐसा फीचर लाने वाला है जो उनके पिक्सल मोबाइल में देखने को मिल सकता है कि ऑटोमेटिक कॉल लगेगा, जिसे आप गूगल असिस्टेंट यूज करके जिसको भी कॉल लगाना चाहते हैं उसको कॉल लग सकता है। और छठी टेक्नोलॉजी आ रही है वो आ रही है नूबिया की तरफ से, नूबिया जो फोन है उसमें रेड मैजिक में आपको 5G सपोर्ट देखने को मिल सकता है, और ऐसा कहा जा रहा है कि उसमें LPDRAM रैम देखने को मिल सकता है, जिसे आप बहुत फास्ट से स्टोरेज भी देख सकते हैं। और जो सातवीं टेक्नोलॉजी आ रही है हुआई की तरफ से, हुआई का UI 17 जो 48 मेगापिक्सल के साथ और 4000 mAh की बैटरी के साथ जो थाईलैंड में लॉन्च होगा। थैंक यू, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब।